नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर। दोस्तों, जिस तरह से हिमाचल में गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, वैसे ही सियासत में भी गर्मियां आना शुरू हो चुकी है। इसी बीच बजट सत्र को लेकर काफी गर्माहट देखने को मिल रही है, तो आपको जानकारी इसी बीच देंगे कि बजट सत्र में क्या कुछ खास रहा है और क्या कुछ होने वाला है, जिससे सियासत की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के लिए सीएम सुखविंदर सुक्खू ऑल्टो गाड़ी में विधानसभा पहुंचे। इस दौरान गाड़ियों का काफिला हमेशा की तरह उनकी ऑल्टो कार के पीछे रहा। साथ ही साथ बात करें इसके अलावा सत्ता की, तो सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायक भी वहां पहुंचे। सदन की कार्यवाही से पहले सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय भी करवाया। 6 अप्रैल की बात करें तो आज तक चलने वाले बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। इससे विपक्ष सुक्खू सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के तेवर तलक रखने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सुक्खू सरकार द्वारा 650 से ज्यादा दफ्तरों को बंद करना माना जा रहा है। पूर्व बीजेपी सरकार ने इन दफ्तरों को आखिर के 9 महीने के दौरान खोला। दफ्तर डिनोटिफिकेशन को लेकर बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने की रणनीति जो है वो तैयार कर चुकी है। सेशन के दौरान बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों 66 सीपीएस की नियुक्ति, स्टाफ सिलेक्शन, कमीशन भंग करने की मणिकरण में हुए हुड़दंग जैसे मुद्दों पर भी सुक्खू सरकार को घेरेगी। इसी के साथ साथ क्योंकि एसएससी के भंग होने के बाद भर्तियां भी लटक गई, इससे युवाओं का नौकरी का इंतजार लगातार लंबा हो गया। सदन में पहले ही दिन 33 तांत्रिक और साथ ही अंतर्कित प्रश्नों के जवाब जो हैं वो दिए गए। आज सदन में नियम के बात करें तो 130 के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के अनियमितीकरण के बारे में भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ बीजेपी विधायक जेआर कटवाल ने इस पर चर्चा की मांग भी की है। इस नियम के तहत विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश की वन संपदा को आग, बाढ़ व भूस्खलन से बचाने को लेकर आज चर्चा की गई है। सीएम सुक्खू की बात करें तो सदन में आज सप्लीमेंट्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 18 दिन चलने वाले सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक 1000 सवाल पूछ चुके हैं। अभी तक की बात करें तो नियम 101 के अंतर्गत बात करें तो 4 तथा नियम 130 की बात करें तो उसके तहत 4 सूचनाएं फिलहाल प्राप्त हो चुकी हैं। ज़्यादातर सवाल सड़कों की हालत और बंद दफ्तर, ओपीएस, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े गए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो पूछे गए। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रखें हिमाचल अभी अभी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।